हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग कर रहे हैं आइसक्रीम पार्टी। तुषार जी को पहले से बैठ भी गया कुर्सी पर, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज चुके हैं। हल्दी तो भाई बहन यहाँ पर खा रहे हैं आइसक्रीम पार्टी। तुषार जी को सॉन्ग सुन रहा है बैठे बैठे और आइसक्रीम भी खा रहा है। और तुषार जी उपवास है तो वो खिचिया वगैरह ये खा रहा है, फलाहारी और कोल्ड ड्रिंक भी लाई है यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों। तो फिर हमारी आइसक्रीम भी पिघल गई है वीडियो के चक्कर के अंदर से, पी रहे खा नहीं पा रहे। हाय गाइस, तो अभी हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। तो पराठे बने और पास में गुंडों का अचार है और पास में जो कटोरी उसके अंदर बड़ी की सब्जी होती है, उसके प्रकार कुछ बेसन की सब्जी होती है, उसको गोल गोटी बनाकर पानी के अंदर उबाल कर बनाई जाती है। और पास में भिंडी की सब्जी भी है। अभी हम सब लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, हम खाना खा रहे हैं। अभी हम लोग पी रहे नींबू पानी और टाइम है अभी जो बज चुके 3:30 तक। साल कोशिश कर अभी तक वीडियो नहीं बना पाया सही ढंग से। सबके लिए नींबू पानी आ गया है और तुषार 10 मिनट से रील्स बना रहा है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर इसे शॉर्ट वीडियो डालेगा, लेकिन बना नहीं पा रहा, बार बार कट दे रहा है वीडियो में, कभी वो हो जाता है कभी ये हो जाता है इसलिए। हाय गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर क्लास, मैंने टैली सीख लिया है और अभी मैं एक्सेल सीख रहा हूँ। मैं लगभग 6 बजे वापस आऊँगा, तब मिलेंगे। ओके, बाय बाय। हाय गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे टेंपल्स और टैली करने गया। तो टैली तो खत्म हो गई, एक्सेल चल रहे, अभी लगभग 7 बजने वाले, 6:52 है। अभी कुछ आपको बगीचा वगैरह देखा, तो मंदिर का ब्लॉग हम अलग से बनाएंगे स्पेशल, ठीक है। सावन मास चल रहा है इसलिए सब लोग यहाँ पर बैठे शिव पूजन के लिए राजस्थान के अंदर भिनमाल में। तो तुषार है, पास में केशव जी बैठे जो खेतला जी ट्रस्टी है, और पास में प्रसिद्ध जी गर्ग बैठे तुषार के खास दोस्त थे। और ये बगीचा है, गार्डन है, खेतला जी कहो या चाहे बल्लेश्वर महादेव का बगीचा को, और यहाँ का बगीचा है जो उद्यान वो बहुत ही बड़ा और विशाल है। और पास में तालाब भी है और देखो यहाँ पर मुर्गियाँ दाना चर रही है, छोटे छोटे दाने खा रही है कुछ अंदर घास के अंदर से निकल निकल कर। और यहाँ पर टेंट लग रहे वगैरह क्योंकि यहाँ पर भी कथा वाचन शुरू होने वाला है। को मध्य प्रदेश से आ रही माता जी दीदी सोमप्रिया जी, वो यहाँ पर कथा वाचन करेगी भागवत महापुराण की। तो हम शायद कोशिश करेंगे वो वाला व्लॉग भी लेने की, संभव हुआ तो। और पास में मस्जिद भी है, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद भी है हमारे यहाँ पे, हर कहीं पर भी आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पे। और यहाँ पर देखो पानी भरने का नल आ रहा है गार्डन के अंदर, तो जो यहाँ पर आदिवासी लोगों की जो औरतें होती है वो यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं। और शिव मंदिर के लिए भी पानी चाहिए तो हम लोग भी भर लेते हैं। और ये बड़ का पेड़ है बहुत ही बड़ा विशाल, इसलिए यहाँ पर महादेव जी उनका नाम बिल्डेश्वर रखा गया है। मंदिर दिख रहा है ये नीम गोरे क्षेत्रपाल यानी खेतला जी वापसी का मंदिर है। हाय गाइस, तो तुषार महादेव जी से घर पर आ गया है और मैं गया था खाना खाने के लिए, पुण्यतिथि थी हमारे गुरुदेव जी की रामचंद्र जी की, इसीलिए वहाँ गया था, वहाँ से भी आया हूँ। हाय गाइस, तो मैं तो खाना खाने गया था, खाना खा के आया हूँ, लेकिन घर पर आज बनाई है रोटी और दाल, तो सब लोग खाना खा रहे रोटी और दाल। पापा यहाँ आराम से सो रहे हैं। The next day, अभी हम लोग अगले दिन, अभी स्कूटी खराब होगी, शुरू नहीं हो रही हमसे, तो अभी हम जा रहे स्कूटी को सही करवाने के लिए मैकेनिक के पास। ठीक हो जाती तो ठीक है, वरना फिर वापस कंपनी में देनी पड़ेगी जहाँ से लगी वहाँ पर ठीक करवाने के लिए। हम लोग यहाँ पर आए ठीक करवाने के लिए स्कूटी, अब यहाँ पर देंगे हम लोग स्कूटी को ठीक करने के लिए, मिस्त्री चेक करते हुए स्कूटी को। मैकेनिक ने कहा कि अभी आपकी स्कूटी हम कल देंगे ठीक करके, हो जाएगी ठीक तो कॉल करेंगे। ठीक है, तो फिर बाय बाय, हम यहाँ से चलते हैं, अभी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।